हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांश भसीन। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। और गाइस, इस कंसेप्ट में हम बात करने वाले हैं कि तीन स्टॉक्स जो मैं नेक्स्ट वीक के लिए बाय करने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट वीक है गाइस। अगर हम बात करें सेशन ओपनिंग डे की, अगर हम बात करें तो 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। सो गाइस, उन पे मैं तीन स्टॉक्स बाय करने वाला हूँ। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग देखिए कि मैं कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, मैंने चार्ट्स में क्या देखा है उसके देखकर ही मैं क्यों बाय कर रहा हूँ। और गाइस, ये जो तीन स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई करे हैं, इसमें से दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मेरे जो ट्रेनिंग कोर्स जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। सो गाइस, उन लोगों ने मेरी हेल्प करी है स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में। और गाइस, मैं उन लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरी ज़्यादा हेल्प करी है और जिन लोगों ने जो मैं चाहता था स्टॉक के अंदर वो फाइंड करे, जितना मैंने उन लोगों को पढ़ाया है उतना अगर उन लोगों ने बहुत अच्छे से फाइंड करा है, तो मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा इस वीडियो पर। तो गाइस, आप लोग भी देखिएगा कि मैंने उन लोगों को क्या कैसे किस तरीके से सिखाया गया है। और प्लीज़, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो वो भी देखेगी क्या उन्होंने गलती करी है और क्या है। और आप लोग भी देखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है तीन स्टॉक्स के बारे में। और यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली कुछ सीखने के लिए मिलेगा और लर्निंग करने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सो हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहला स्टॉक मैं लेकर आने वाला हूँ जो कि है मैरिको। हम मैरिको के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको फुल टाइम पे ले आता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम मैरिको की बात करने वाले हैं। ये स्टॉक मैंने अपने जो मेरे ट्रेनिंग कोर्स के मेंबर्स थे, मैंने उन लोगों को भी ये बताया था कि इसके ऊपर जितना भी मैंने अभी तक उन लोगों को पढ़ाया है, टेक्निकल एनालिसिस करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करें। सो गाइस, उन लोगों ने करा है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। इस पे जो सबसे पहले मैं बताऊं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर करा है, वो है बालकृष्ण और आवाज सिंह। दो नाम हैं जो मेरे खुद के बैच में हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, इस वीडियो पे सबसे पहला स्टॉक है मैरिको, और मैरिको के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसमें मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन एनालिसिस करने वाला हूँ, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करूँगा, और उस बेसिस पे आप लोगों को अपने आप समझ में आएगा कि मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अपने आप इस स्टॉक के अंदर पता लग गया कि मुझे इसमें क्यों ट्रेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, हम लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सबसे पहला मुझे यहाँ पर मिल रहा है सपोर्ट इस लेवल पे, जो कि मैंने मार्क कर दिया। सेकेंड सपोर्ट अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूँ तो मुझे इस लेवल पर मिल रहा है, ठीक है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे, फर्स्ट टाइम इधर, सेकेंड टाइम इधर, थर्ड टाइम इधर, ठीक है। तो मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करूंगा, नथिंग एल्स। थर्ड टाइम अगर मैं देखूं तो गाइस, थर्ड टाइम मुझे लग रहा है इस तरफ, ये देख पा रहे हैं, इधर हमें रेजिस्टेंस मिला, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस था, यहाँ पहले सपोर्ट था, इधर सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, देख पा रहे हैं आप, ध्यान से इस बात को सुनेगा। नेक्स्ट आता है अराउंड इस लेवल पे, ये लेवल पे क्या होता है, आप देख रहे हैं मल्टीपल सपोर्ट्स, मल्टीपल रेजिस्टेंस इसी लेवल पे, यहाँ पर भी था, तो मैं मान के चल सकता हूँ ये मेरी बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई, और एक मैं टॉप ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमें पूरी क्लैरिफाई मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैंने देखे गाइस, टोटल कितनी ट्रेंड लाइंस बनाई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मैंने टोटल गाइस 5 लाइंस ड्रॉ करी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप खुद ध्यान से देखिएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। मैं इसके लिए पेन यूज़ कर लेता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे फर्स्ट लाइन जो मैंने यहाँ पर बनाई, ये लाइन मुझे क्या बताती है, ये लाइन मुझे बताती है सपोर्ट की लाइन, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेगा कि जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चली जाए। क्या होता है, अब जब हम लोग ट्रेंड लाइन एनालिसिस करने के बारे में सोचते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भैया टॉप और बॉटम देखो, इसको और इसको लाइन को एक्सटेंड करते हुए मिला दो, इसको लाइन एक्सटेंड करते हुए मिला दो, और हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, इतने से कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें पूरे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ जनरली, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है कि मैं कितनी देर का चार्ट लूँ एक आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक को, मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, आपको प्लस और माइनस का साइन दिख रहा है, जूम आउट कर दो चार्ट को, जितना जूम आउट कर सकते हो, ये पूरी स्क्रीन के अंदर जितना आपको चार्ट दिख रहा है, इसके बेसिस में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आप लोगों को कोई बढ़िया पैटर्न दिख रहा है, या आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं है।
तो गाइस जब मैंने इस पैटर्न को आइडेंटिटी इस चार्ट को जूम आउट करा, मैंने सिर्फ यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी पांच, और कोई भी आप यहाँ देख रहे होंगे कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजिंग ट्रेंड लाइंस नहीं दिख रही होंगी, बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढते हुए मैंने बनाई है। तो हर चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इस लेवल पे हमें सपोर्ट दिखा, ठीक है, इस लेवल पे ये वाली जो सेकंड ट्रेंड लाइन थी, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल हमें यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिला, ये देखिए मल्टीपल सपोर्ट था। उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेक करा, तो पहले जब ये ब्रेक करा तो ये लेवल भी इसका सपोर्ट था, ये देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो जब ये लेवल ब्रेक करा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद हमने देखा यहाँ पर एक बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गई। उसके बाद जब इस वाली लाइन को जब ब्रेक करना था दोबारा, तो देख पा रहे हैं एग्जैक्ट स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। तो हमें सारी चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक परफेक्ट एनालिसिस कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? हमें हर एक कैंडल को देखना पड़ेगा, हमें हर एक चीज को देखना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग है, बट गाइस आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपको हर चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आपका ये जो आपने कॉल ले रखा है ये फेल हो जाती है तो कोई बात नहीं, ये बुरा मानने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने परफेक्ट एनालिसिस कर रखी है। दूसरी बात, यहाँ पर अब आप देखेगा कि जब मैंने ट्रेंड लाइन एनालिसिस करी, मुझे पता क्या चला, मुझे पता चला यार यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था, ये देख पा रहे हैं, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यहाँ पर फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस था। उसके पहले हम देखते थे इसी लाइन पे ये सपोर्ट ले रही थी, ये देख रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हुई नहीं हुई। इस लाइन का यहाँ पर इसने ब्रेक दे दिया है जो कि 350 का लेवल है। 350 के लेवल पे लाइन अपना ब्रेक दे चुकी है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो अराउंड आता है 370 पे, 370 to 376। ये बात आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिले, यहाँ पर हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिले इस लाइन पे, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक नेक्स्ट टारगेट हम मान के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं? स्टॉप लॉस अगर मैं रखना भी चाहूँ तो मैं इस लेवल पे रख सकता हूँ। वेट कर सकता हूँ कि यार ये दोबारा 350 पे आए या 352 पे आए, जितने भी आसपास आए, तो मैं एक बाय पोजीशन बना सकता हूँ। टारगेट रख सकता हूँ 370 to 376। स्टॉप लॉस अपना मैं कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ 340 या 338 का, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट अगर जब इसे ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट तो आपको पता ही है 400 का लेवल्स मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये दिखा सकता है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एनालिसिस कंप्लीट क्लियर हुई। उसके साथ एक और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक और स्टूडेंट का हाथ है, वो क्या है? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा ने एक और चीज इसमें आइडेंटिफाई करी थी जो कि थोड़े कम लोगों ने आइडेंटिफाई करी थी, मैं बताऊं, और उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से आइडेंटिफाई करी थी। वो क्या चीज थी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई करी थी, आप यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को ये चीज देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। दिस पैटर्न इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो उन्होंने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप आइडेंटिफाई करा, और मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो आइडेंटिफाई करा बिल्कुल परफेक्ट करा है। आप देख पा रहे हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है अपने एग्जैक्ट सब रेजिस्ट, ये वाली आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन से एग्जैक्ट इस लाइन से हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, फर्स्ट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ठीक है। दूसरी बात क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ठीक है। अब एक पॉइंट से 350 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, उस लेवल से एक ब्रेकआउट आया, उसी लेवल हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, उसी लेवल से सपोर्ट और ट्रेंड लाइंस का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है। आप देख पा रहे हैं एक लेवल से, अगर एक लेवल से मल्टीपल ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो चांसेस हायर होते हैं कि वो इस लेवल से ऊपर जाएगा, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बन सकती थी, वो क्या बन सकती थी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक कंसेप्ट और बन सकता था जो कि मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। वो कंसेप्ट क्या बन सकता था, अब यहाँ पर देखिएगा, ये पैटर्न भी मैं बहुत ज्यादा ड्रॉ कर चुका हूँ अपने इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो आप लोगों को अपने आप पता चल गया होगा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड अ कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें इस लेवल पे देखने को मिला है, आप देख पा रहे हैं इस लेवल पे हमें कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है।
तो मैं अजम्पशन लगा के चल रहा हूँ कि मल्टीपल ब्रेकआउट्स मुझे 350 लेवल पे मिले हैं, तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर मैं कप एंड हैंडल का टारगेट भी लेकर चलता हूँ, ठीक है, तो कप एंड हैंडल का फर्स्ट टारगेट क्या होता है, जो ये हैंडल देख रहे हैं, इस हैंडल का जो डिफरेंस है, अगर मैं इसके बॉटम को देखता हूँ जो कि 320 है, इसका टॉप है 350, तो अराउंड 30 पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ से जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 380 का टारगेट। हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि ये वाला लाइन है, तो हम 376 का टारगेट मान के चलते हैं। और अगर मैं हेड एंड शोल्डर का टारगेट मान के चलता, तो वो भी शोल्डर जो आप देख रहे हैं, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, राइट शोल्डर का ही डिफरेंस होता, वो भी 380 आता। तो दो पॉइंट्स बता रहे हैं 380 का टारगेट, ट्रेंड लाइन एनालिसिस बता रहे हैं 376। तो हम लोग क्लोज अगर लेकर चलते हैं तो 376 का हमें इसमें टारगेट देखने को मिल रहा है। तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा, नाम बालक कृष्ण और आवाज सिंह, जिन्होंने मुझे ये वाली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन्स पे हेल्प करी है, ये वाली ट्रेंड लाइन्स पे, और शिवम मिश्रा जिन्होंने मुझे हेड एंड शोल्डर में हेल्प करी है बनाने में। तो ये मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं बहुत प्राउड हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प करी है। और भी लोगों ने मुझे अपने स्टॉक्स भेजे हैं, और भी ट्रेंड लाइन्स एनालिसिस भेजी है, उन लोगों की भी अच्छी थी, बट उन लोगों ने ये चीज़ नहीं पकड़ी जो बहुत कम लोगों ने पकड़ी है, इन तीन लोगों ने पकड़ी है, तो मैं इसलिए इन लोगों का नाम लेना चाहूँगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, जो कि मैं फुल्ली डोनेटेड करना चाहूँगा, डिनोट करना चाहूँगा एक बंदे के ऊपर, मेरे एक स्टूडेंट के ऊपर, जो कि पावर ग्रिड है, जिसका नाम है सामर्थ। सामर्थ जी के ऊपर मैं एक ये पर्टिकुलर स्टॉक डेडिकेटेड करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मुझे एनालिसिस भेजी है, और जब मैंने पूरी क्लैरिफाई के साथ इस एनालिसिस को स्टडी करा, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये स्टॉक भी बाय करने के लिए है। और गाइज मैं बताना चाहूँगा, वो 19 ईयर्स ओल्ड है। सो गाइज उन्होंने बहुत परफेक्टली तरीके से एनालिसिस करी है, तो शाउट आउट टू सामर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था, यहाँ पर आप देख पाएंगे। जब आप सबसे पहले ऊपर की दो ब्लू लाइंस को देखेगा, जो कि टॉप मैंने रेंज बना रखी है, यहाँ पर आप इसको क्लेरिफाई करके देखेगा अच्छे से, ये चीज़ आपको क्या बता रही है, ये इतने टाइम से एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। ये देख पा रहे हैं, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, और हमने देखा था इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला था। जब हमने इस रेंज का ब्रेकडाउन देखा था अराउंड 180 के लेवल से, तो एक शार्प फॉल आई थी अराउंड 110 तक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अराउंड 40% की हमने इस लेवल से ही सिर्फ एक फॉल देखी है, जो कि लेवल ब्रेक हुआ था। उसके बाद हमने क्या देखा, उस लेवल के अंदर दोबारा जाने की कोशिश करी और दोबारा नीचे आया, और अब दोबारा ऊपर जाने की, इस रेंज के अंदर दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। तो बेस्ट बाय बनता है अगर इस रेंज के अंदर आने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए दोबारा बाय बन सकता है, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं आप लोगों को और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो रेंज था गाइस, इस रेंज के अगर मैं बारे में बात करूँ, तो ये रेंज कब तक काम कर रही थी, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये रेंज बनना जो शुरू हुई थी, ये बनना शुरू हुई थी 23rd of April 2018 से, और ये 23rd of March 2020 पे जाके इसका ब्रेकडाउन हुआ था। एक साल की रेंज थी, उसके बाद जाके ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं दोबारा रेंज के अंदर री एंटर कर रहा है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन मैं मान के चल सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पर मुझे पता चला एक वेज टाइप फॉर्मेशन पैटर्न बना है। यहाँ पर आप देखिएगा, इस लेवल से जो कि 200 का लेवल है, 200 के लेवल से हमने स्ट्रेट डाउनफॉल देखी, उसके बाद हमने देखा एक रेंज के अंदर चला गया। ये देख पा रहे हैं, इस रेंज का इस लेवल पे ब्रेकआउट आया, इस लेवल पे, यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, यहाँ पर रुका। ये देख पा रहे हैं, जहाँ पर जिस लेवल से ब्रेकआउट करा था, उसके बाद दोबारा एक अपमूव दिखा रहा है। यानी कि इसने क्या करा, आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है, कोई शेयर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट कैंडल आ गई, हमें इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना पड़ता, हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये कंडीशंस होती हैं। हम ट्रेड कब करेंगे, जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती है, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, सबसे पहला सिनेरियो, लंबी थोड़ी वीडियो होगी, बट डेफिनेटली आप लोगों को ये वर्थ होगी वीडियो, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो। यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल ने ब्रेक दे दिया, हम इस कैंडल पे अपना ही ट्रेड नहीं ले सकते, हमें वेट करना है सेकंड कैंडल पे। ये सेकंड कैंडल ने इसमें क्लोजिंग दे दी, अब हमें थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेने हैं। अब गाइस ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था, ये लेवल था 170, ये लेवल है 190, 20 रुपये ऊपर जाके हमने एक मूवमेंट देखी है। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ तो अराउंड 12% की एक मूवमेंट ऊपर दे चुका है। तो गाइस अगर कोई ये लेवल है, ये कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल इसके ऊपर बनती है, बट इस लेवल से, ब्रेकआउट लेवल से, अगर ये ब्रेकआउट का जो पॉइंट है, बाइंग पॉइंट है, वो
बहुत ऊपर है, 1% से भी ऊपर है तो भी हम बाय नहीं करते, ये तो 12% ऊपर है। तो इसके लिए बाद हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर नहीं बाय कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं रीटेस्ट का। अगर ये स्टॉक दोबारा नीचे आए, दोबारा नीचे आए और ये वाली लाइन पे दोबारा आ जाए और कुछ ऐसा एक पैटर्न बने या फिर कुछ ऐसा कैंडल स्टिक बने कि यहाँ पर एक हैमर टाइप बने, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकता हूँ। सेम सिनेरियो हुआ एग्जैक्ट यहाँ पे, स्टॉक गया ऊपर, यहाँ नहीं बाय बना सकते थे क्योंकि 12% की मूवमेंट हो सकती थी। हमने वेट करा रीटेस्ट का, ये लेवल था लाइन, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन रीटेस्ट की लाइन थी, आया नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कंसोलिडेट करा, ये स्ले कैंडल ने एक ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे लिए बाय बनता है, बेस्ट बाय बनेगा 180.5 पे बाय बनाइए। टारगेट हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल, ठीक है, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 200 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार और जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर वेज फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ था, ये मार्च से बनना शुरू हुआ था, और इसका ब्रेकआउट की बात करें तो ये अभी जून एंड में आया है। तो 4 महीने के अंदर अंदर हम मान के चल सकते हैं, 3-4 महीने के अंदर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, दोबारा रिटेस्ट होकर ऊपर जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहाँ पर एक बेस्ट बाय बन सकता है। ठीक है गाइस, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये पूरी एनालिसिस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताई है, जो मैंने खुद देखी है। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस पर ट्रेड लेते हैं तो वो आप लोगों के रिस्क के ऊपर होगा। मैं खुद डेफिनेटली जब ये पूरी एनालिसिस कर रहा हूँ, मल्टीपल ब्रेकआउट्स देख रहा हूँ, मल्टीपल चीज़ें देख रहा हूँ, तो मैं खुद मान के चलूंगा कि ये स्टॉक ऊपर ही जाने चाहिए। बट गाइस, स्टॉक मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, अगर इस पर लॉस होता है तो वो आपके ऊपर, अगर इसमें प्रॉफिट होता है वो पूरा आपका है। बट मैं डेफिनेटली ट्रेड करूंगा। कैसे ट्रेड करूंगा, मंडे के मार्केट को देखूंगा, मंडे की मार्केट अगर मेरे हिसाब से चल रही है, अगर मुझे लगता है कि हाँ मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगी, सस्टेन रहेगी, 100 पॉइंट 200 पॉइंट के अंदर अंदर ही रहेगी मार्केट, तो मैं इन स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। ठीक है गाइस, इस लेवल के ऊपर बाय करना है क्योंकि इस लेवल के ऊपर रेंज के अंदर ये दोबारा आ जाएगा, इस रेंज के अंदर यह हम यहाँ पर बाय करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 190 का, जो कि 10 रुपये ऊपर है, 10 रुपये ऊपर भी बहुत बढ़िया है अगर हम मान के चले तो, क्योंकि 5 रुपये का ही 5% का टारगेट हो गया। उसके बाद हम साइकोलॉजिकल लेवल हो गया 200, एंड देन टारगेट हो गया ये वाला लेवल रेंज का। तो प्लीज इस स्टॉक को भी आप मान के चल सकते हैं। लास्ट स्टॉक आता है हमारा पीवीआर। ये पीवीआर मैंने खुद पर्सनली सिलेक्ट करा है, इस पर कुछ एनालिसिस नहीं है यहाँ पर, बस मैंने एक चीज क्या, एक कंसेप्ट देखा, एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पर ये चीज देखी, यहाँ पर मैं आपको खुद दिखाना चाहूंगा क्यों मैंने बाय करा। ये लेवल देख रहे हैं 2100, एंड बॉटम की बात करें तो 700 रुपये। 2100 से 700 तक का फॉल आ चुका है गाइस अराउंड, तो अगर मैं मान के भी चलूँ तो अराउंड 70% का एक शायद फॉल आ चुका था। तो गाइस अब आप देख सकते हैं 70% का फॉल आया, मैं मान के नहीं चल रहा, पूरा 70% आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, 700 से कहाँ तक गया, 1300 तक, यानी कि अराउंड 80% की मूवमेंट दे चुका था अपने बॉटम से लेके यहाँ तक। पहले 70% का फॉल दिखाया, फिर बॉटम से 80% की मूवमेंट दिखा चुका है, दोबारा नीचे आया है अपने इस रेंज के 50 to 61.8% लेवल तक। और अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, वो रीज़न ये है, आप यहाँ पर देखिएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का फिबोनाची लेता हूँ तो ये आता है 61.8% लेवल, ये लेवल आता है गाइस 50% लेवल। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक शार्प फॉल आई, पहले एक स्ट्रांग मूवमेंट आई, ध्यान से सुनेगा, स्ट्रांग मूवमेंट आई, 80% की मूवमेंट आई। तो गाइस थोड़ा तो रेस्ट लेगा, हाँ इसने रेस्ट ले लिया, एक डाउनफॉल कर दी। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये लेवल क्या हुआ 975 से लेके 1000 का लेवल, ये 25 पॉइंट्स रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे लिए एक बेस्ट बाय बनता है फॉर अ टारगेट ऑफ फर्स्ट ये लेवल जो कि अराउंड आ रहा है 1080 का, सेकेंड टारगेट आ रहा है 1100 रुपये का, एंड नेक्स्ट टारगेट आ रहा है ये लेवल। ये देख पा रहे हैं क्यों, सबसे पहली बात एक गिरावट आई, हल्का सा ऊपर गया, एक गिरावट आई हल्का सा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया और अब फिर ऊपर जा रहा है, इस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो गाइस ये पैटर्न हो गया एक हेड एंड डबल बॉटम पैटर्न, डबल बॉटम देख रहे हैं,
एक डबल बॉटम का ये टाइप सिनेरियो है, और आप देख रहे हैं राउंड शेप बना रहा है ये, ऐसे नहीं कर रहा हल पूरा नीचे और ऐसे बढ़ गया, ये क्या बना रहा है, ये इस तरीके से बना रहा है, मतलब एक बेस बना रहा है यहाँ पे, एक अच्छा सा बेस बना रहा है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक वो बना रहा है। तो गाइस मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि यहाँ पर एक बेस्ट बाय आप बना सकते हैं, क्योंकि क्यों बना सकते हैं, देखिए इस लेवल पे आप यहाँ पर अगर आप बाय बनाते हैं 1030 पे, मैं कहूँगा अगर थोड़ा डिप भी मिलता है तो भी बाय बनाइए, पहला टारगेट होगा हमारा ये लेवल, ये देख पा रहे हैं डबल टॉप है, सॉरी मैं और अच्छे से बनाता हूँ, हमने यहाँ पर बाय बनाया है, हमारा स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल पे होगा, हमारा पहला टारगेट होगा ये लेवल पे जिस लेवल से एक रिवर्सल आया है, और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टारगेट लेकर चल सकते हैं, सेकंड टारगेट क्या होगा जिस लेवल से रैली स्टार्ट हुई थी, सेकंड टारगेट ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, जिस जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी वो हमारा सेकंड टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस अपना हम कुछ इस लेवल पे बना कर रख सकते हैं। तो ये स्टॉक भी था, इस पे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स नहीं बन रहे थे, बट मुझे ये स्टॉक इस तरीके से अच्छा लग रहा था तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ गाइस अपने रिस्क में ट्रेड लीजिएगा, मैं इस पे स्टॉक्स पे ट्रेड लूंगा, अगर मुझे लॉस होता है तो वो मेरा लॉस है, क्योंकि मैंने इतनी अच्छे से इस पर्टिकुलर इसमें मेहनत करी है, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मुझे इसमें फायदा मिले। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा, और मैं अभी भी चार नाम लेना चाहता हूँ, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बालकृष्ण, आवास सिंह, शिवम मिश्रा एंड वन एंड ओनली सामर्थ, जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्टॉक पावर ग्रिड को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करा था। सो गाइस इसी के साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पे। एक इम्पॉर्टेंट नोट और गाइस कि हमारी जुलाई की जो पेड सर्विस थी वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, और आज गुरु पूर्णिमा है तो हम लोग पर्टिकुलर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स मिलती रहेंगी, और वहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग पेड सर्विस, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइस अलविदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, मैं शिवांश भसीन, साइन।